इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और स्पेशल रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से फिरोजाबाद में बुखार से बच्चों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है। योगी ने फिरोजाबाद के सीएमओ को हटाने के आदेश दिए हैं और योगी ने 11 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम भी फिरोजाबाद भेजने का आदेश जारी किया है। फिरोजाबाद में बुखार से 10 दिन के अंदर 50 बच्चों की जान गई है। बच्चों को बुखार क्यों हो रहा है इसकी वजह साफ नहीं है। आईसीएमआर की टीम ने फिरोजाबाद में सैंपल्स की जांच की है और राहत की बात यह है कि जांच में बच्चों में कोविड की बात सामने नहीं आई। योगी ने फिरोजाबाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को 7 से 16 सितंबर तक पूरे यूपी में सर्विलांस प्रोग्राम चलाने का भी आदेश दिया है। लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, समय के मुताबिक इस एक्शन की भी जरूरत थी, लेकिन कैसे समझा जाएगा कि आखिर स्थिति क्यों बिगड़ती जा रही है, क्यों बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है? देखिए सुरभि, कॉज ऑफ डेथ क्या है बच्चों की, और जो दो वयस्क लोगों की मौत हुई है फिरोजाबाद के मामले में, उसमें कॉज ऑफ डेथ अभी क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि ये स्पष्ट हो गया है कि वो मलेरिया नहीं है, क्योंकि मलेरिया की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन डेंगू है या किसी और तरीके का ये वायरल बुखार है। इसको लेकर के बाकायदा KGMC में रिपोर्ट भेजी गई है और जो उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक ये रिपोर्ट आ सकती है या मैक्सिमम कल सुबह तक ये रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद ये स्पष्ट होगा कि अगर 10 दिनों के भीतर 42 लोगों की फिरोजाबाद में और 10 लोगों की मौत मथुरा में है, तो अपने आप में समझा सकता है कि मामला कितना ज्यादा संवेदनशील है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले फिरोजाबाद पहुंचे। फिरोजाबाद में उन्होंने समीक्षा बैठक की और जब उन्हें यह लगा कि सीएमओ की तरफ से लापरवाही बरती गई है और गंभीर लापरवाही बरती गई है, जिसके बाद उन्होंने तत्काल आदेश दिए कि सीएमओ को फौरन हटाया जाए। नए सीएमओ को वहां पोस्ट किया गया है और लगातार स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से हर 1 घंटे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। इस वक्त क्या स्थिति है फिरोजाबाद में, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी की किस तरीके की सेंसिटिविटी होती है आम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स की टीम को बाकायदा फिरोजाबाद भेज दिया गया है और आईसीएमआर के लोग भी वहां पहुंचे हैं, विशेषज्ञ, उन्होंने भी वहां से सैंपल्स को कलेक्ट किया है। और राहत की बात यह है कि किसी भी तरीके के किसी भी पेशेंट में अब तक कोविड की जांच का पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि किसी को भी ये राहत की बात है। लेकिन कॉज ऑफ डेथ को लेकर अभी और भी जांच होनी बाकी है, इस पर नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे। विशाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बुखार से मौत पर योगी का ऑर्डर है क्या, आपको ये भी बता देते हैं। पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग 24/7 अलर्ट मोड में है। फिरोजाबाद सरकारी अस्पताल में बेड्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही 7 से 16 सितंबर तक यूपी में सर्विलांस प्रोग्राम भी चलेगा। घर घर जाकर बुखार कोविड लक्षण वालों की पहचान भी की जाएगी। साथ ही 45 प्लस एज ग्रुप के जो लोग हैं, एक भी डोज जिन्होंने नहीं ली है उनकी भी एक बकायदा लिस्ट तैयार की जाएगी। यूपी के 3 जिलों में बुखार से बच्चों के पीड़ित होने की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार से 10 दिन में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। आगरा में भी कई बच्चे बुखार की वजह से हॉस्पिटलाइज हैं। फिरोजाबाद से लगते मथुरा में भी बुखार से कई बच्चे पीड़ित बताए जा रहे हैं। योगी के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। हमने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से भी बात की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों के सैंपल्स की जांच हो रही है, आज शाम तक ये भी पता चलेगा कि मौत की आखिर वजह क्या है। यूपी के फिरोजाबाद और मथुरा में बुखार की वजह से कई बच्चों की और लोगों की जान गई है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा भी किया है फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद में क्या हालात हैं, किस तरीके से सरकार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी। सर, अभी तक फिरोजाबाद और मथुरा में जो चीज़ें आई हैं बुखार से, क्या क्या डिटेल्स में सामने आई और ये एग्जैक्टली है क्या? सर, मथुरा में तो जो टेस्टिंग हुआ था उसमें स्क्रब टाइफस नाम का एक बीमारी है, वो छोटे छोटे उससे होता है, इंसेक्ट बाइट से होता है, तो उसका वो आया हुआ है, तो उसमें तो उसको उससे संबंधित जो भी उसका जो ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उससे जो सैनिटाइजेशन और वो सब जो बराबर करना पड़ता है, तो वो टीम जाके वहाँ पर कर भी रही है। फिरोजाबाद में जो 42 मृत्यु हुई है उसमें 40 तो बच्चों की श्रेणी में है, 2 बड़े लोग हैं। उसमें एलाइजा टेस्ट करने का सिस्टम तो खाली KGMA में है, तो वहाँ पर उनके सैंपल्स गए हैं, शाम तक तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या है, तो अभी उसका पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हम लोग कि कौन सा किस बीमारी से वो हुआ है और जिस तरह से बुखार एकदम से बढ़ के उन लोगों की मृत्यु हुई है, इसका अभी पूरा डिटेल नहीं आ पा रहा है अभी। सर, कोविड टेस्ट भी बच्चों का और बाकी लोग का कराया जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर में कहा गया था कि बच्चों पे खतरा रहेगा, तो लोगों का मन इस ओर भी अशक्त है कि ऐसा तो नहीं कि ये तीसरी लहर का आगमन है उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में?
नहीं नहीं, कोविड से कोई मतलब नहीं है। कोविड का तो हम लोगों ने जांच करा लिया, कोविड में कोई भी त्यौहार नहीं है। ये या तो इसमें डेंगू का हो सकता है या स्क्रब टाइफस हो सकता है, मगर इसमें अभी कोविड के कोई इस तरह का शक नहीं है। आज शाम तक सैंपल आ जाएगा और उसको तब तक के लिए लगभग 500 घरों में उसकी जाँचें हुई है। बहुत जगह लावा पाया गया है फ्रिज के नीचे और कुछ कंटेनर्स में जहाँ पानी भरा रहता है लोगों के, वहाँ मैंने पूरा उसको नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मिलके बहुत सारे घरों में और लगातार उनकी टीम बना के अलग अलग जांचें हो रही है। घरों में जाके उनका सफाई भी हो रहा है और जो भी उसका प्रोसेस वो कर रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के चुनावी बिसात में भाईजान बच्चों की मौत पर सियासत से भी बाज नहीं आ रहे। ओवैसी ने फिरोजाबाद में बच्चों की मौत को लेकर सीएम योगी पर अटैक किया है। ओवैसी ने कहा कि फिरोजाबाद में बच्चे मर रहे हैं लेकिन सीएम योगी सिर्फ नाम बदलने में लगे हैं। उन्हीं के एमएलए ने फिरोजाबाद है या कुछ इलाका है वहां पर 34 बच्चे मर गए, 34 बच्चे मर गए। नाम बदलने से करने से बच्चों की जान बच रही क्या? हर साल 800-900 बच्चे एंसेफेलाइटिस से मर रहे, आप ये बैन कर देंगे? अरे वो दवाएं तो पहुंचो, बच्चों के मौत को तो रोको आप। इनकी प्रायोरिटी जो है सिर्फ बैन लगाना, नाम चेंज करना, इंसान की जान बचाना योगी की जिम्मेदारी नहीं है। छोटे बच्चे मर रहे उनकी जान नहीं बचाना चाह रहे आप, तो ये इनकी प्रायोरिटी है, पॉलिटिकल प्रायोरिटी। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।